अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज़ तलबा, अभी हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1, सेकेंड ईयर मैथ हमारा चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, शो दैट, हमने शो करवाना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ओवर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ओके, तो सोल्यूशन में अजीज़ तलबा सबसे पहला काम ये है कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। सो मैंने वो लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, यानी मैंने सबसे पहले जो है फंक्शन लिख लिया। इसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई लगा दो। तो सो x की जगह क्या पुट करना है हमने, x प्लस वाई। सो एफ इन टू एक्स की जगह x प्लस वाई मैंने पुट कर दिया एज इट इज़। दूसरी तरफ भी मुझे ऐसे ही करना होगा, 10 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस वाई। सो मैंने x प्लस वाई जो है वो पुट कर दिया। जी अजीज़ तलबा आगे चलें, यानी f ऑफ x प्लस वाई एज इट इज़ मैं लिखना चाहता हूँ, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू। अब यहाँ आप देखें तो आपके सामने फार्मूला बन रहा है 10 अल्फ़ा प्लस बीटे का। तो सो वही है फार्मूला, ये फार्मूला मैं आपके सामने अभी लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी 10 अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में मैथ में पढ़ा था, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। जी ये हमारे पास फार्मूला है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ओके, इसी फार्मूले के तहत, यानी ये 10 है, ये अल्फ़ा है, ये प्लस बीटा है। अब हम खोल देंगे तो क्या बनेगा, 10x, जी 10x प्लस 10y ओवर 1 माइनस 10x 10y। ओके स्टूडेंट्स, यानी अल्फ़ा की जगह x था और बीटा की जगह y था, इसलिए अल्फ़ा की जगह मैंने x लगाया और बीटा की जगह वाई लगाया, यानी 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ अल्फ़ा था यहाँ एक्स था, इसलिए 10x 10y ओवर 1 माइनस 10x 10y। ओके जी अजीज़ तलबा आगे चलें ज़रा, एफ़ इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज़ मैंने लिख दिया। जी ये जो 10x है, ये जो 10x है हमारे सामने, ये किसके बराबर है, 10x इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया, प्लस प्लस वैसे लिखा 10y। अब इसको समझने के लिए ज़रा समझें, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है इज इक्वल टू 10x के बराबर है, 10x। अगर मैं x की जगह y लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ y इज इक्वल टू 10, इधर भी x की जगह क्या लगाना पड़ेगा, y लगाना पड़ेगा, 10y। इसका मतलब ये हुआ कि 10y को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई। ओके, तो सो इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे एफ ऑफ वाई, जी एफ ऑफ वाई ओवर बटा, हाँ जी 1 वैसे, माइनस 10x, फिर 10x आ गया तो 10x किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो सो एफ ऑफ एक्स लिख दें डॉट, 10y आ गया तो 10y किसके बराबर है, एफ ऑफ वाई के। तो सो यहाँ भी एफ ऑफ वाई लिख दें। जी स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ओवर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ओके, तो ये हमारे पास प्रूव है, हैंस प्रूव्ड। हाँ प्लीज़ राइट डाउन, थैंक यू सो मच। आने वाली हर वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। हाँ थैंक यू सो मच।